हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना ज़्यादा हो सके इस टीम्स का जो कंसोल है इसका ओवरव्यू आपके सामने रखूं। और अभी मैं आपको बता दूं कि मैं वेब पोर्टल से यूज़ कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट टीम। यहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, जो मैं अभी पूरा इसमें बात करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको पहले एक कॉल करके दिखाता हूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। हेलो। आ रही है यस यस, सुनील आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने ओवरव्यू दे दिया है कि हम किसी से चैट करते हैं, उसे ऑडियो वीडियो कॉलिंग कैसे करते हैं। आपके बीच में भी आप वीडियो को इनेबल कर सकते हैं और यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। आप अगर आपकी कोई कॉन्फ्रेंस कॉल चली तो मैक्सिमम यही रहता है कि आप कॉल को पहले सुनिए। मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं ना आपके साथ अपना डेस्कटॉप शेयर करता हूँ ताकि आपको ये दिख जाए। तो गाइज, जैसे हम किसी के साथ अपना डेस्कटॉप शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से वो सिलेक्शन सेलेक्ट करेंगे जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया आपने शेयर करना है। तो फिलहाल मेरा मैं पूरा डेस्कटॉप ही शेयर करूँगा सुनील के साथ। तो यहाँ से देखिए, आप एप्लीकेशन विंडोज़ भी है और क्रोम टैब्स भी है, तो आप कुछ भी शेयर कर सकते हो स्पेसिफिक। तो मैं पूरा डेस्कटॉप शेयर करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं शेयर पे क्लिक करूँगा तो एक तो जैसे ही मैं शेयर करता हूँ तो जो हमारी स्टेटस है वो डू नॉट डिस्टर्ब पे चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली। और दूसरा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है स्टॉप शेयरिंग और हाइड। सुनील, अभी आपको मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है? यस आप कौन से वाला स्क्रीन दिख रहा है? ये वाला ना, कॉलिंग वाला? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हम बात करते हैं, अभी जो मैंने लॉगिन किया है वो वेब पोर्टल पे लॉगिन किया है microsoftteam.com पे। उसमें आपके पास जो भी आपकी क्रेडेंशियल यूज़र अकाउंट आपकी कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है आप उससे लॉगिन कर सकते हैं, राइट? और दूसरा, आप यहाँ से अगर आपके पास डेस्कटॉप है या मोबाइल है या टैब है, कुछ भी है, तो आप अपनी वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, राइट? बात करते हैं हम इस ऐप्स लॉन्चर की। तो जैसे आप इस ऐप लॉन्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको दिखेंगे वो सारे आपके ऐप्स दिखेंगे जो आपके लाइसेंस के साथ एसोसिएट है, राइट? जो लाइसेंस आपके पास है। तो जैसे अगर आपको इसी विंडो से, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट टीम क्या है, एक हब है, यहाँ से आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, राइट? तो यहाँ से आप अपना आउटलुक भी खोल सकते हो, वन ड्राइव, वर्ड डॉक्यूमेंट, कुछ भी खोल सकते हो, ठीक है? तो ये ऐप लॉन्चर हो गया। ये जो एक्टिविटी एरिया है, जो एक्टिविटी एरिया आपका आता है वो होता है किस्म से नोटिफिकेशन एरिया, राइट? यहाँ से जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, जैसे मान लो कि आपने मेरे को मिस कॉल किया था 155 पे, राइट? और ये IT एडेड यू टू ए प्राइवेट चैनल, जैसे जैसे आपके अकाउंट के साथ जो चेंजेस होती हैं वो सारी आपको नोटिफिकेशन एक्टिविटीज एरिया में आती हैं, राइट? अगर हम बात करते हैं चैट सेक्शन की, तो यहाँ पे जो चैट सेक्शन है यहाँ से आप क्या कर सकते हो, तो अगर हम बात चैट सेक्शन की करते हैं ना, तो चैट सेक्शन में हम जहाँ से जो हमने रिसेंट चैट किया है वो यहाँ पे दिखेगा, राइट? और अगर आपको किसी से चैट करना है, आप कांटेक्ट में जो भी लिस्ट है आपकी फेवरेट में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हमें ऐड करनी है सारी चीज़ें। तो अभी मैंने सिर्फ आपसे ही चैट किया है तो मुझे रिसेंट में आप ही दिख रहे हो, राइट? अगर मुझे किसी न्यू पर्सन से चैट करना है तो मुझे या तो इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, राइट? या फिर मुझे कंट्रोल एन करना है न्यू के लिए, ठीक है? तो अभी फिलहाल चैट के लिए अगर मैं आपसे चैट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, अगर हम इन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास पहली ऑप्शन आ रही है मार्क एज ए अनरीड, राइट? दूसरी आ रही है पिन। अगर मैं चैट को पिन कर लेता हूँ तो ये टॉप लिस्ट में चली जाएगी पिन में। जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप में हम कोई मैसेज को पिन कर देते हैं या कोई ग्रुप को पिन कर देते हैं, वो टॉप में दिखता है आपको, राइट? तो अगर मैं पिन कर देता हूँ तो आपका चैट ये पिन सेक्शन में आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं ऐड टू फेवरेट कॉन्टैक्ट। मान लो कि आप एक IT डिपार्टमेंट में हो तो आप चाहते हो कि आपका जो IT मैनेजर है, जो IT लीड है, आप उसको अपने फेवरेट उसमें ग्रुप में ऐड करना चाहते हो, फेवरेट कॉन्टैक्ट में, राइट?
तो आप उस पर्सन पे यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करके आप ऐड टू फेवरेट कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो बंदा आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में दिखना शुरू हो जाएगा, राइट, फेवरेट में। और तीसरी बात करते हैं हम यहाँ पे म्यूट की। अगर आप चाहते हो कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो मेरे तक ना आए तो हम इसको म्यूट भी कर सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन है ये, यहाँ पे चौथी ऑप्शन है नोटिफाई व्हेन अवेलेबल। जैसे ही आप अवेलेबल आएंगे मुझे एक नोटिफिकेशन मैसेज आना शुरू हो जाएगा, राइट। और यहाँ से अगर बात करते हैं हम मैनेज ऐप्स की, तो मैनेज ऐप्स में जाके यहाँ बहुत सारी ऐप्स हैं। अगर वन नोट है या कुछ भी है हम उनको ऐड कर सकते हैं। जहाँ हमें कोई मोर ऐप्स ऐड करनी है तो हम उसको मोर ऐप्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। ये लोड हो रहा है। जैसे कोई भी ऐप है जिसका आपके पास लाइसेंस है, जहाँ कोई फ्री ऐप्स है माइक्रोसॉफ्ट की, तो आप उसको पिन कर सकते हो, राइट। तो ये चैट सेक्शन हो गया। ये जो टीम सेक्शन है ना, टीम सेक्शन क्या है कि जिस जिस टीम्स की आपको मेंबरशिप है वो टीम्स आपके यहाँ दिखाई देंगी। और यहाँ पे जो हम टीम्स की बात करें तो अगर हम टीम्स में जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप ओनर हो तो आप इन तीन डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहली ऑप्शन आ रही है हाइड टीम, मैनेज टीम, ऐड चैनल, ऐड मेंबर, लीव टीम, एडिट टीम, गेट ए लिंक, मैनेज टैब और डिलीट द टीम, राइट। अब मैं जैसे मैनेज टीम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये सारी ऑप्शन दिखाई देंगी। अगर मैं ओनर हूँ तो तभी मेरे पास ये ऑप्शन आएगी। देखिए, तो यहाँ से पहली बात है कि हम यहाँ से ओनरशिप देख सकते हैं कि कौन कौन इस टीम का ओनर है और कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है। अगर बात करें हम ओनर्स की तो यहाँ पे दो ओनर्स हैं, एक सुमरिया टेक पॉइंट और ये एक आईटी एग्जीक्यूटिव मैंने ऐड किया है। और हम मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो मेंबर्स हैं, सुनील और ये यूजर वन। तो अगर हम पेंडिंग रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो पेंडिंग रिक्वेस्ट अभी कोई भी नहीं है। जब भी कोई यूज़र प्राइवेट चैनल को एक्सेस करने के लिए कोई रिक्वेस्ट भेजता तो यहाँ पेंडिंग में दिखेगी, राइट। अगर हम बात करते हैं चैनल्स की, तो देखो सबसे पहले क्या है कि टीम्स क्या है। टीम्स एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे वो एक टीम है। चैनल क्या है, ये कंटेंट होते हैं। यहाँ पे चैनल बना देते हैं, मान लो कि हम इसे एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे आईटी हेल्प डेस्क पे हम काम कर रहे हैं, तो जो हेल्प डेस्क का हमने चैनल बनाया है उस चैनल में ओनरशिप कैसे चेंज करनी है। और ये जो आइकन दिख रहा है, ये चैनल्स दो टाइप के होते हैं, एक प्राइवेट होता है और एक स्टैंडर्ड होता है और एक प्राइवेट होता है। स्टैंडर्ड में कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जहाँ कोई भी टीम्स का जो मेंबर होगा वो दिखेगा, और प्राइवेट में उन्हीं लोगों को एक्सेस होगा जो उसके मेंबर्स होंगे। तो जो जो ये सेटिंग्स है, यहाँ पे आप टीम पिक्चर को ऐड कर सकते हो, मेंबरशिप की परमिशन को इनेबल डिसेबल कर सकते हो, और उसमें सारी ऑप्शंस है। यहाँ पे फन स्टफ भी ऐड कर सकते हो और टीम कोड्स, ये सब कर सकते हो आप, राइट। ओके तो ये आपने देख लिया। टीम्स भी दो टाइप की होती है, टीम्स होती है आपकी पब्लिक और प्राइवेट, और चैनल होते हैं आपके स्टैंडर्ड और प्राइवेट, राइट। और इसके बाद हम कैलेंडर की बात करते हैं, तो कैलेंडर, हेलो, कैलेंडर में जो भी आपने शेड्यूल किया हुआ है, जो भी आपकी कोई मीटिंग शेड्यूल है या कुछ भी है, तो आप यहाँ से आपका व्यू देख सकते हैं। अब ये हमारे यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं है, तो अगर आपको न्यू मीटिंग सेट करनी है तो आप यहाँ पे न्यू मीटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे टाइटल डाल देंगे कि विंडोज 10, सॉरी राइट। रिक्वायर्ड अटेंडी में कौन कौन चाहिए हमें, सुनील, राम, रमेश, रमेश दिख नहीं रहा, राइट। तो ये यहाँ से हमने डेट सेलेक्ट करना है कि कौन सी डेट को हमने मीटिंग शेड्यूल करना है, क्या टाइम रहेगा, टाइप क्या रहेगा, ऑल डे इवेंट है जहाँ स्पेसिफिक टाइम के लिए। अगर ऑल डे कर देंगे तो ये सारा हो जाएगा। और यहाँ पे आप यहाँ से आप इसको सेंड कर सकते हैं, राइट। अब ये देखिए आपकी मीटिंग यहाँ से शेड्यूल हो गई है, अब आप इसको कर सकते हो। अगर आप क्विकली मीट करना चाहते हो अपने टीम्स के साथ, कि मान लो कि आपको अर्जेंट में कुछ बात करनी है, तो आप शेड्यूल ना करके भी आप यहाँ से मीट नाउ ऑप्शन है, मीट नाउ स्टार्ट ए प्राइवेट मीटिंग, राइट।
तो जैसे मीट नाउ करेंगे हम, जैसे मीट नाउ करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मीट नाउ करने के बाद आपको अटेंडी ऐड करने हैं उसमें, कि कौन कौन सा बंदा आपको चाहिए उस मीटिंग में। तो जैसे ही आप उसको ऐड करेंगे तो वो लोगों को नोटिफिकेशन आएगी कि यू नीड टू ज्वाइन दिस मीटिंग, राइट। तो इसी तरीके से हम अगर कॉल्स की बात करते हैं, तो यहाँ से आपका कॉल्स में जाके आपको स्पीड डायल की ऑप्शन आती है। तो अगर आपके पास कॉलिंग का फीचर, आपने लाइसेंस है आपके पास, तो आप मोबाइल से भी कॉलिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप टीम्स टू टीम ही कॉलिंग कर सकते हो। कॉन्टैक्ट में आपके जो भी कॉन्टैक्ट होंगे वो आ जाएगा, हिस्ट्री में आपका आ जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ कॉल्स किया है, कितनी ड्यूरेशन थी, ऑल द थिंग्स, राइट। वॉइस मेल में अगर कोई आपके पास वॉइस नोटिफिकेशन है तो वो दिखेगा आपको। अब बात करते हैं हम फाइल की। तो फाइल्स कीप योर, क्या लिखा ना, वी कीप योर एक्टिव फाइल्स हैंडी, राइट। और ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं उस टाइम पे, एक मिनट। अगर हम यहाँ टीम्स में जाते हैं ना, राइट, तो अगर मान लो आप आईटी हेल्प डेस्क का एक मेंबर हो आप इसके, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी जनरल आपकी कन्वर्सेशन होगी, जैसे हाय, जो भी आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी काम होता है उसको काम होता है उसके लिए आपको जो भी मैसेज कन्वर्सेशन है, हाय स्टेटस क्या, स्टेटस क्या है, तो आप ईमेल ना करने की बजाय यहाँ पे बोल सकते हो कि हाँ मैंने ये वाला रीज़न कंप्लीट कर दिया अपग्रेड के लिए, यहाँ मुझे ये चैलेंज आ रहा है, ये चैलेंज आ रहा है। यहाँ से अगर हम फाइल्स की बात करते हैं, तो यहाँ से आप अपनी फाइल अपलोड कर सकते हो, राइट। सॉरी, ये थोड़ा हो रहा है, एक मिनट, ये टैब्स पे चला गया। यहाँ से फाइल्स आप अपलोड कर सकते हो, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि फाइल्स आप कैसे अपलोड करोगे। जैसे ये हेल्प डेस्क पे गया हूँ मैं, यहाँ फाइल्स पे गया, तो देखिए यहाँ पे फाइल आप उसी चैनल, जहाँ तो आप स्टैंडर्ड चैनल पे फाइल अपलोड कर सकते हो, या फिर आप प्राइवेट उसी चैनल पे अपलोड कर सकते हो जिसके आप मेंबर्स हो। तो फाइल्स का अपलोड करना, या न्यू क्रिएट करना, या सिंक करना, कॉपी करना, ये सारा वन ड्राइव वाला फीचर है, राइट। जैसे आप न्यू पे जाएंगे तो यहाँ से आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करना है वो क्रिएट कर सकते हो, या एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आपने कोई अपलोड करना है तो वो अपलोड कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये ऐप्स की है। अगर आपके पास कोई भी ऐप्स है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। जैसे मैं वन नोट को ऐड कर सकता हूँ, ये लीजिए, मैंने जैसे वन नोट को ऐड करना है तो मैं यहाँ से वन नोट ऐड हो गया मेरा, राइट। यहाँ से ये नोटबुक फाइंड करेगा जो भी है, ये देखिए ये ऐड हो गया मेरा। ऐप्स की बात है, अगर हेल्प की बात करें तो हेल्प है, ये देखिए जैसे ये अभी आ गया है कि सर्च, ये क्विक सर्च है, राइट। आप क्विक सर्च में कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो कि अभी मैंने कोई भी फाइल का या कुछ भी नाम मैंने कमांड करना है, जो भी जिस टीम में स्पेसिफिक होगा वो यहाँ से क्विकली सर्च हो जाएगा, राइट। ओके और यहाँ से आपका अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दिखता है। जैसे आप अपनी चेंज पिक्चर कर सकते हो, यहाँ से भी स्टेटस चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मैं प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ तो मैं अवेलेबल भी कर सकता हूँ आपको, और सेट मैसेज स्टेटस करता हूँ, सेटिंग कर सकता हूँ, बॉर्ड, डाउनलोड, डेस्कटॉप ऐप, यहाँ से भी कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं साइन आउट कर सकता हूँ। ओके तो मेरे हिसाब से यही एक छोटा सा ओवरव्यू था यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम का। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके इसमें सपोज मान लो किसी के पास किसी आउटसाइडर को टीम पे कॉल करनी है, तो उसका आईडी पासवर्ड नहीं है टीम पे, तो हाउ यूजर विल लॉग इन थ्रू गेस्ट अकाउंट? राइट। तो उसके लिए हमें एक गेस्ट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और अपने ही इन्वायरमेंट में क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें दो टाइप की होती है, ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा एक ऑप्शन होता है। तो अगर किसी हमने थर्ड पार्टी से टीम मीटिंग ज्वाइन करवानी है तो हमें उसका गेस्ट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। गेस्ट अकाउंट क्रिएट कराने के साथ हमें उसके साथ ये यूआरएल शेयर करना पड़ेगा, टीम्स डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम पे, राइट। वो किसी भी साइबर कैफे में जाके, किसी भी कंप्यूटर में, वेब ब्राउजर में जाके इस वेब पोर्टल का एड्रेस डालेंगे और वहाँ से अपना अकाउंट और डिटेल ऐड करके वो अपना टीम्स एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आप वेब पोर्टल पे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डेस्कटॉप पे जो ऐप है मेरी वो दूसरी है ओके जी। ओके यही पूछना। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, नो इशू। हाउ मेनी मेंबर आई कैन एड इट इन वन टाइम टीम मीटिंग? देखो इसका कोई कंडीशन नहीं है, बट आप मैनी मेरे हिसाब से 200, 250, 400 कुछ भी ऐड कर सकते हो।
ऐसा कोई लिमिट नहीं है फिलहाल अभी। ओके इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप कितने मेंबर को ऐड कर और तो कोई सकते क्वेश्चन हैं, नहीं। राइट? ठीक है, मतलब अनलिमिटेड है, अगर लाइसेंस है तो अनलिमिटेड है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टीम, आप भी देखो पहले क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट टीम का पहले ये सिर्फ कंपनीज में ही यूज़ हो रहा था टीम्स, लेकिन जब माइक्रो इसने COVID-19 के बाद ट्रेंड में आया, आपने सुना होगा जूम आ गया और पहले स्काई फॉर बिजनेस था, तो इन्होंने पहले क्या करता था, पहले ये पेड था लेकिन अभी इन्होंने होम यूजर्स के लिए फ्री भी कर दिया कॉलिंग, राइट? ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग है। ओके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।